हेलो गाइस, वेलकम बैक है आपका अगली क्लास में। तो लास्ट क्लास में हमने राइबोसोम, इंक्लूजन बॉडी और सेल वॉल के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो लाइन मैंने अंडरलाइन की है, इन पर नीट लेवल पर क्वेश्चन बने हैं, तो हम देखते हैं आगे। सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। तो सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी रहती है। द मेजर लिपिड आर फॉस्फोलिपिड। तो ज़्यादा में लिपिड में ज़्यादा पाए जाते हैं फॉस्फोलिपिड, और जो अरेंज होते हैं बायलेयर में। आगे देखते हैं, लिपिड आर अरेंज विथ मेम्ब्रेन विथ पोलर हेड टुवर्ड द आउटसाइड एंड हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड द इनर पार्ट। तो लिपिड कुछ ऐसे अरेंज होते हैं कि पोलर हेड जो होता है वो आउटसाइड अरेंज होता है और हाइड्रोफोबिक टेल इनसाइड अरेंज होता है। तो ये होता है लिपिड का अरेंजमेंट। अभी हमने पढ़ा था कि लिपिड में सॉरी सेल मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन पाए जाते हैं, लेकिन बाद में जब साइंटिस्टों ने डिस्कवरी की तो उन्होंने देखा कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। प्रोटीन और लिपिड का रेशियो सेल में डिफरेंट पाया जाता है, अलग अलग सेल में डिफरेंट होगा अलग अलग। जैसे ह्यूमन बीइंग में प्रोटीन पाया जाता है 52% और लिपिड पाया जाता है 40%। मेम्ब्रेन ऑफ प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। तो प्रोटीन मेम्ब्रेन इंटीग्रल और पेरिफेरल में क्लासिफाई होती है। अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन इसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। या प्लाज्मा लेमा भी। तो ये दिया था दो साइंटिस्टों ने, दैट इज सिंगर एंड निकोलसन। और कब दिया था? 1972 में। दोनों साइंटिस्टों ने एक थ्योरी दी थी जिसे कहते हैं फ्लूड मोजैक मॉडल। फ्लड मोजैक मॉडल, इस मॉडल का सीधा मतलब है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो हार्ड नहीं होती, वो होती है सॉफ्ट। अभी मैंने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन टू लेयर से बनी होती है, डबल लेयर होती है, उनमें दो लेयर होती हैं, एक होती है आउटसाइड एक होती है इनसाइड। दिस इज इनसाइड एंड दिस इज आउटसाइड। तो जो आउटसाइड होती है उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये हो गए साइटोप्लाज्म। और जो इनसाइड होती है उसे बोलते हैं
इंट्रा सेल्यूलर फ्लूड। अब ये दो लेयर बनी होती हैं लिपिड की, या इसी को हम बोलते हैं फैट, फैट बोलते हैं इसी को हम। अब इन दो लेयर में बीच बीच में प्रेजेंट होता है एक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं प्रोटीन। सब्सटेंस टू टाइप्स के होते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। जो सब्सटेंस लिपिड सॉल्युबल होते हैं वो इजीली क्रॉस कर जाते हैं सेल मेम्ब्रेन को, क्रॉस इजीली। इजीली क्रॉस करते हैं सेल मेम्ब्रेन। और जो सब्सटेंस वाटर सॉल्युबल होते हैं उन्हें आउटसाइड से इनसाइड और इनसाइड से आउटसाइड जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? प्रोटीन कैरियर्स की, नीड प्रोटीन कैरियर्स। अभी हमने जो मॉडल बनाया था डबल लेयर का उसी को हम बनाते हैं फिर से। तो ये हो गए लिपिड, ये हो गया लिपिड। और ये लिपिड किसका बना होता है? बाय लिपिड लेयर का। और इसमें प्रेजेंट होता है यहाँ पे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है और ये बना होता है प्रोटीन का।
यानी इसमें बीच बीच में प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो अब हम इसके बारे में लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे सेल मेम्ब्रेन। इन दिस राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, सेल मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसीज कंटेन 52% ऑफ प्रोटीन एंड 40% ऑफ लिपिड्स। नेक्स्ट पॉइंट, अलोंग विथ लिपिड एंड प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन कंटेन कार्बोहाइड्रेट एज वेल एज कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट पॉइंट, लिपिड्स आर अरेंज इन सच अ वे डेट देयर पोलर हेड्स आर प्रेजेंट टुवर्ड आउटसाइड एंड देयर हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड्स इनसाइड। नेक्स्ट पॉइंट, टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वॉज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल लिपिड इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ बायोलिपिड लेयर एंड इज क्वासी फ्लूइड इन नेचर विच अलाउड लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट पॉइंट, द फ्लूइड नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो परफॉर्म अ नंबर ऑफ फंक्शंस लाइक फर्स्ट सेल ग्रोथ, सेकेंड फॉर्मेशन ऑफ इंटर सेलुलर जंक्शन, थर्ड सिक्रेशन, फोर्थ एंडोसाइटोसिस एंड फिफ्थ सेल डिवीजन। तो ये हो गया आज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और सेल मेम्ब्रेन। तो नेक्स्ट हम फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो यहीं एंड होती है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।